आजकल के इंडियन यूथ को ये लगता है कि इंडिया ने आखिर टेक्नोलॉजी में दिया ही क्या है, तो थंबा, सबसे पहले है यूएसबी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था अजय भट्ट ने, जो कि एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट है। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, जिसके बिना इंटरनेट काम नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके बिना आपका मोबाइल, टीवी या वाईफाई काम ही नहीं कर सकता। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था जगदीश चंद्र बोस ने। गाइज, इंटरनेट की दुनिया भी इंडियंस के दिमाग के बिना काम नहीं कर सकती। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। गाइज, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या ये पॉसिबल है कि एक फ्लाइट इस साल उड़े और पिछले साल यानी कि बीते हुए साल में लैंड करे, मैं कोई मिस्टीरियस घटना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन रियल इन जनरल पूछ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? जी हां, ये पॉसिबल है और ये हुआ भी है। यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट शंघाई से 1 जनवरी 2017 को उड़ी थी और 31 दिसंबर 2016 को सैन फ्रांसिस्को में लैंड हुई थी। अब ये सिंपल लॉजिक है। देखिए, उस दिन न्यू ईयर था और हर एक कंट्री का टाइम जोन अलग अलग होता है, इस वजह से ऐसा हुआ था। ये कोई मिस्टीरियस घटना नहीं है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आजकल लोग अपनी सोच और अपने मतलब के हिसाब से सोशल मीडिया पे पोस्ट को शेयर करते हैं। वो लोग सिक्के का दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते और ना ही दूसरों को दिखाते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक लड़की ने सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लिखा कि अगर देश की हर बेटी को माँ बाप को संभालने का अधिकार मिल जाए तो देश में एक भी ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम बचेगा ही नहीं। तो फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया एक लड़के ने। कमेंट सेक्शन में उसने बड़े समझदारी से इसका जवाब दिया। उसने कहा कि अगर वही बेटियां ससुराल में जाके सास ससुर को अपना मां बाप मान लें तो इस देश को तो छोड़िए, इस पूरे विश्व में कहीं भी ओल्ड एज होम रहेगा ही नहीं। गाइस, सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस बात के भी दो पहलू थे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई आपके साइकिल या फिर बाइक या कार के टायर की हवा निकाल दे या फिर उसे पंक्चर कर दे तो क्या उसे सजा हो सकती है? देखिए गाइस, अगर कोई अनइंटेंशनली ये काम कर रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने के मकसद से आपको या आपकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है तो आईपीसी की धारा 425 और 426 के तहत ये एक दंडनीय अपराध है और उसे सजा भी हो सकती है, और उसमें आपके व्हीकल के टायर को पंक्चर करना या उसकी हवा निकालना भी शामिल है। इसके लिए आप उसकी शिकायत कर सकते हो और साबित होने पर उसे 3 महीने की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। मैंने भी ये इंफॉर्मेशन सुनी थी, सोचा आप लोगों को बता दूं। अब आपने सुनी है तो इसे शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं या फिर आपको कोई किडनैप करने की कोशिश करे, इन दैट केस आपके मोबाइल की एक सेटिंग आपकी जान बचा सकती है। क्या है वो सेटिंग और वो कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूं। वो सेटिंग का नाम है SOS, यानी कि सेव और शिप। इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और वहां पर जाके SOS को सर्च करना है और उसके बाद SOS के टोगल को ऑन करना है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो वहां पर कॉन्टेक्ट के ऑप्शन में जाके आपके रिलेटिव के कॉन्टेक्ट नंबर भी आप ऐड कर सकते हो, जिनसे आप हेल्प की उम्मीद रखते हो। अब होगा कुछ यूं कि अगर आप मुसीबत में फंसते हो तो आपको आपके मोबाइल के पावर बटन को 3 बार दबाना है। इससे क्या होगा? इससे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 और आपके रिलेटिव के नंबर पर, जो नंबर आपने सेव किए थे, वहां पर एक हेल्प मैसेज पहुंचेगा और साथ ही साथ आपकी लोकेशन भी उनके पास पहुंच जाएगी, जिससे आपको मदद मिल सकती है और आपकी जान बचाई जा सकती है। गाइस, आपको ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।